हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र अपने अनामिका उंगली के रक्त से, ये आपका अनामिका उंगली रिंग फिगर जिसमें रिंग पहना जाता है ना, कनिष्का उंगली के बगल में, सबसे छोटी उंगली के बगल में जो उंगली होती है उसे हम लोग बोलते हैं अनामिका उंगली, रिंग फिंगर। इस उंगली के थोड़ा सा रक्त निकाल करके इसको लिख करके, जिसका भी नाम आप लिख करके इसको अग्नि में तपाएँगे, वह आपके प्रेम में तड़पने लगेगी, बेचैन हो जाएगी मिलने के लिए। वह कितना ही दूर क्यों ना होगा, दौड़ करके आपके पास आएगा, बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने के लिए, तड़पने लगेगी आपके प्यार में। श्रद्धा भाव और विश्वास इसको आजमा के देखिएगा। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो यह अवश्य ही प्रभावशाली होगा। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपने एनर्जी को भलीभांति रीड कर लें और अगले को भी एनर्जी को रीड कर लें। आपके हस्तरेखा में क्या योग है, आपकी कुंडली में क्या योग है, ये सब दिखा करके चेक करने के बाद कोई वशीकरण का प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हमारे माध्यम से अगर वशीकरण करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके, आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए, आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय शास्त्राओं, भारतीय तंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, जो हमारी अपनी परम्परा है उसके माध्यम से मैं आप लोग का समाधान करूँगा। और आपको तो पता ही है भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधना में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में दूर कर सकती है। और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने जीवन से जुड़े हुए सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिए। फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें, यह मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा कॉल आने के चलते फ़ोन रिसीव नहीं होते हैं, आप लोग को भी कष्ट होगा। अतः मेरे इस आग्रह को स्वीकार करके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर प्रयोग करें। फिर भी यदि आप फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं और आपका फ़ोन नहीं उठता है तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, कभी उठ सकता है कभी नहीं उठ सकता है। हाँ, मैं जो समय दूँगा आपको उस समय आप कॉल करिएगा, मैं अवश्य आपको रिसीव करूँगा। एक बात और, वशीकरण का कदापि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, से चीट करने के लिए, से हानि या क्षति पहुंचाने के लिए से इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। यदि आप लोग को लगता है कि आपके रिश्तों में कड़वाहटें बढ़ती जाती हैं, बात बात में लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते, तू तू मैं में बढ़ते बढ़ते मानो रिश्ता टूट ही जाएगा, ऐसा आपको लगता है, वहाँ पर इसका प्रयोग करें। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, माता पिता, पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र, द्वारा कोई भी रिश्ता हो सकता है। रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में किसी को बस में करके उसके जो तमाम बुराइयां हैं, जो तमाम ऐब है, जो नशा है, उसको भी दूर किया जा सकता है। अतः वशीकरण का प्रयोग कहीं भी गलत नहीं है। हाँ, किस भाव से आप प्रयोग कर रहे हैं यह आप पर डिपेंड करता है, मगर भूल करके भी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, से चीट करने के लिए, से हानि या क्षति पहुंचाने के लिए से इसका कदापि दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम आज के प्रयोग में चलेंगे, जो आपका प्रयोग विधि है। प्रयोग विधि अपने आप में बहुत चमत्कारी है। स्वयं भगवान शंकर ने कहा है, एक एक स्टेप को आपको बारीकी सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। क्या करना है आपको, जैसा जैसा मैं यंत्र बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको यंत्र लिखना है। एक ट्रिंगल की आकृति आपको बना लेनी है और उसमें जो लिखा है उसको ध्यान से देखे सुने और समझे। यंत्र इस प्रकार से है, ट्रिंगल आपका बना हुआ है, ट्रिंगल में लिखा है ओम शिव अमुकिम बसम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकी के स्थान पे या अमुक लिखा है, अमुक लिखा है, जिसको बस में करना हो चाहे स्त्री पुरुष, उसका नाम आपको लिखना है। उसके बाद इसको अंगारे में तपा देना है। मात्र इतना करने से, अग्नि में इसको जलाने पर, तपाने पर, अगला कितना ही दूर क्यों ना होगा, दौड़ करके आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा, बेचैन हो जाएगी अपने आप। बहुत सरलतम प्रयोगों में से प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास इसको आजमा के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।